हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका बिजनेस की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस का, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल बिजनेस, उसका पार्ट नेक्स्ट। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उसमें स्कोप क्या क्या है। ठीक है, आज इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। लेकिन आज डिस्कस करने वाले हैं हम कि अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो उसे करने के लिए कैसे एंट्री ले सकते हैं। तो टॉपिक है वे टू एंटर इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने के तरीके। तो आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 मेन तरीके हैं जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस, मतलब सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ रहा है यहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझते क्या है। आप पता है आपके पास यहां पर दो कंपनियां है, एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और एक वाई लिमिटेड कंपनी है। ये माल को मैन्युफैक्चर अच्छा करती है और ये माल को सेल या कह लीजिए मार्केटिंग बहुत अच्छा करती है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहता। यह एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पतंजलि आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। तो अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है। कभी मान लेते हैं आटा लेके आ गया, कभी नूडल्स लेके आ गया। अब मान लो किसी सेक्टर में उतरना चाहता है, एग्जांपल के लिए विदेशों में। तो विदेश की कोई कंपनी है जो वहां पे कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, विदेश की कोई कंपनी है जो वहां गुड्स प्रोड्यूस कर रहती है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए पतंजलि का दंतकांति ले लेते हैं, मतलब टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट क्या है, फॉरेन वाले जस्ट ये वाला यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो उसी तरह का यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब पतंजलि को क्या करना पड़ेगा, विदेश में अपना प्लांट लगाना पड़ेगा बनाने के लिए। तो उसने क्या करा, वहां की एक कंपनी जो ऑलरेडी क्या बनाती है, टूथपेस्ट बनाती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट किया और उससे बोला कि आप मेरे लिए क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग करो। तो मान लेते हैं वो कौन सी हो गई, एक्स लिमिटेड, और ये हमारा हो गई पतंजलि। ठीक है, अब उस पतंजलि उसे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है सेल परचेज, जो नाम चलेगा वो किसका चलेगा, पतंजलि का चलेगा, रामदेव जी का चलेगा, बालकृष्ण का चलेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, एक्स लिमिटेड। तो अब हुआ क्या, आप विदेशों में बिजनेस करने चले गए लेकिन आप माल को बनाएंगे नहीं, आप गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आप ओनली उसकी क्या करेंगे, सेलिंग परचेजिंग मार्केटिंग करेंगे, बनाएगा कोई और। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, विदेशों में एंटर हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट, लाइसेंसिंग। देखिए, लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि जब कुछ प्रॉब्लम आ रही हो इंटरनेशनल बिजनेस करने में, आप डायरेक्ट वहां नहीं जा रहे हो, तो आप वहां की किसी कंपनी को अपने ब्रांड का, अपने पेटेंट का, अपने ट्रेडमार्क का, अपने क्वालिटी का जो भी है वो लाइसेंस दे सकते हैं और उसके बदले आप उससे क्या चार्ज करेंगे, फीस चार्ज करेंगे। कौन से में, यहां पर आप उससे क्या चार्ज करेंगे, फीस या रॉयल्टी, और उसे क्या दे देंगे, अपने पेटेंट या बताया आपके जो भी ट्रेडमार्क है वो सारी चीज उसके साथ शेयर कर लेंगे। तो वो आपके लिए काम करेगा, जब तक आपने उसे लाइसेंस दे रखा वो काम करेगा, नहीं तो अदरवाइज आप ले लेंगे। तो इसके कुछ कारण है कि लाइसेंस क्यों लिया जाता है। ठीक है, वो आप बुक में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग। देखिए, फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं तो ये दोनों सेम है। फ्रेंचाइजिंग का मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, हम आज के टाइम में डोमिनोज से पिज्जा खाते हैं। ठीक है, तो डोमिनोज तो अमेरिकन कंपनी है लेकिन क्या वो पिज्जा अमेरिका से आता है, जी नहीं। अलग अलग लोगों ने क्या कर रखा, उसकी फ्रेंचाइजी ले रखी और अपना क्या खोल लिया है, एक तरह से मैकडोनल्ड खोल दिया या डोमिनोज खोल दिया। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आपके नियर कोई भी अगर डोमिनोज की ब्रांच है तो वो अमेरिका ऑपरेट नहीं कर रहा है, वो अलग अलग लोगों ने कुछ लाख रुपए देके, 30 लाख 40 लाख रुपए देके उसकी फ्रेंचाइजी खरीदी है और वो उसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बस वहां की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो इसे क्या हुआ, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। अब देखो, मैकडोनल्ड ले लो या डोमिनोज ले लो, उसने इंडिया में बिजनेस करने के लिए क्या करा, फ्रेंचाइजी को बनाया। ठीक है, बजाय उन्हें अपने प्लांट खोलने के, बजाय अपने उसने अपने स्टोर खोलने के, उसने लोग क्या दी, फ्रेंचाइजी दी। तो अगर आपके नियर कोई डोमिनोज की ब्रांच नहीं है, इसका मतलब ये कह लीजिए कि आपके आसपास किसी ने उसकी फ्रेंचाइजी नहीं ले रखी है। अगर आप चाहे तो उसकी फ्रेंचाइजी लेकर डोमिनोज की ब्रांच खोल सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको मोटी रकम पे करनी पड़ेगी। जॉइंट वेंचर। देखिए, जॉइंट वेंचर की बात करूं तो यहां पर दो बड़े बिजनेस, दो बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रोथ के लिए क्या करती है, काम करती है। अब एग्जाम्पल के लिए इसका मेरे दिमाग में आ रहा है, पता नहीं वो एक्चुअल यही था, लेकिन
हीरो होंडा आपने कंपनी का नाम सुना होगा, हीरो होंडा क्या थी, बाइक बनाती थी, ठीक है। पहले इसका स्लोगन भी आता था जस्ट एग्जांपल, देश की धड़कन धक धक हीरो होंडा। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये दोनों कंपनियां अब अलग हो गई। आज के टाइम पे हीरो अलग कंपनी आ रही है और होंडा अलग बाइक बना रही है। तो ये दो कंपनियां हो गई हमारे सामने, हीरो और होंडा। तो ये पहले एक साथ थी, दोनों की ग्रोथ हुई, दोनों का नाम हो गया, अब दोनों क्या हो गई, अलग हो गई। तो जब दो कंपनियां मिलती हैं उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर, अलग होने को नहीं, मिलने को। तो अगर देखो होंडा विदेशी कंपनी है, हीरो इंडियन कंपनी है, तो दो कंपनियों ने मिला और अपनी ग्रोथ कर ली, दैट्स इट। एंड लास्ट, सेटिंग अप होली ओन्ड सब्सिडीज, मतलब कि देखिए सबसे पहले बात करते हैं होली ओन्ड का मतलब क्या हो गया, जिसके शेयर 50% आपके पास हो। आपने क्या करा, विदेशों में एक कंपनी सेटअप करी, ठीक है, और वो आपके लिए सारा काम करेगी, लेकिन उस कंपनी के 100% शेयर में से 50% शेयर आपने अपने पास रख रखे, ठीक है, ताकि आपका कंट्रोल बना रहे पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे आप सेटिंग अप होली ओन्ड सब्सिडीज। आपने एक छोटी कंपनी विदेशों में रख दी जिसके मोस्टली शेयर आपके पास हैं, वहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सब कुछ लेबर को हायर कर रहा है, वही करेंगे, बस आप उसे क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो ये बेसिकली पांच तरीके थे जिससे आप इंटरनेशनल बिजनेस में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बिजनेस करते हैं, तो इंपोर्ट बिजनेस क्या होता है और उसमें कौन कौन से हमें रूल एंड रेगुलेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।